Sound, camera, action! श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में आज कुछ बातों, कुछ किस्सों और कुछ गीतों के साथ स्टूडियो में पधारे हैं अमर हल्दीपुर। आपके साथ फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। दोस्तों नमस्ते। बॉम्बे टॉकीज के आज के इस एपिसोड को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज बेहद बेहद खुश हूं, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है जिनके बारे में कुछ कह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ में आ नहीं रहा कि मैं बातचीत शुरू कहाँ से करूँ, तो वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से इनका जीवन शुरू हुआ। बात शुरू करते हैं इनके पिताजी के नाम से, श्री परशुराम हल्दीपुर, जाने माने मैंडलिन वादक, जिनके मैंडलिन की धुन अपने ज़माने के गीतों में लगभग हर गीत में सुनाई देती थी। और मैंडलिन का नाम आते ही परशुराम हल्दीपुर का नाम आता था, या परशुराम हल्दीपुर का नाम लेते ही मैंडलिन याद आता था। परशुराम हल्दीपुर जी की बजाई ये धुने अभी आपने सुनी, पिता परशुराम हल्दीपुर और माँ कमला परशुराम जी के घर 22 मई 1951 को बंबई के गोरेगांव में जन्म हुआ अमर हल्दीपुर का। अमर जी एक वायलिन वादक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी।
वायलिन वादन के साथ साथ अमर जी ने गानों के लिए अरेंजमेंट किया, म्यूजिकल नोटेशन भी किया। अमर जी ने परेल इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद वायलिन सीखने लगे मायरा और जोसिक मेंटिस से। आगे इन्होंने मेलविन, हेलोविन और नार्वेकर जी से भी वायलिन वादन की तालीम ली। पिता परशुराम जी 8-8, 10-10 घंटे तक रियाज में इनका उत्साह बढ़ाते रहते थे। ये पिता का ही उत्साह वर्धन था कि लर्निंग ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से इन्होंने वायलिन की आगे की शिक्षा ली। अमर जी और उनकी पत्नी अनुराधा की 3 संतान हैं, बेटी शीतल और 2 बेटे सिद्धार्थ और संगीत, दोनों ही संगीतकार हैं। अमर हल्दीपुर जी को फिल्मी गाने में वायलिन बजाने का पहला मौका दिया संगीतकार एन दत्ता ने 1966 में, और फिर ये सिलसिला ऐसा चला कि आज भी अमर जी के वायलिन के दीवाने हैं हमारे सभी सिने संगीत के चाहने वाले। श्रोता जो हमको पसंद करते हैं वो अलग है, जानकार लोग जो हमको पसंद करते हैं वो अलग है, मगर मैं समझता हूँ कि संगीत एक सरल भाषा में जब छोटे से छोटे आदमी के समझ में आ जाए वो संगीत बिल्कुल सही संगीत है। दर्द दिल जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। तो स्वागत है अमर हल्दीपुर जी आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और श्रोताओं से बातचीत के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं उन श्रोताओं को तहे दिल से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अमर जी आप तो वायलिन वादक थे जी, और उसके बाद ये संगीतकार बन गए आप एज ए वायलिन आर्टिस्ट। आपने कई फिल्मों में वायलिन बजाया, कौन सा पहला मौका आपको एज ए वायलिन आर्टिस्ट किस संगीतकार ने दिया? उनका नाम है एन दत्ता जी, जिनके पास मैंने पहला वायलिन का रिकॉर्डिंग बजाया और पहला अरेंजमेंट भी उन्होंने मुझे दिया, तो उनके बगैर ये मेरी लाइफ हिस्ट्री शुरू नहीं होती है। मैं बहुत लेटर स्टेज में आया था, मैं इस इंडस्ट्री में 1966 में आया हूँ, जब मैं 15 साल का था। तो दत्ता साहब के यहाँ पहला रिकॉर्डिंग मिल गया, उन्होंने वहाँ बच्चा है तो क्या हुआ, रखो बजाता ही होगा अच्छा। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, फिर मुझे शंकर जी किशन के यहाँ चांस मिला बजाने का इमीजिएटली, और नौशाद साहब के यहाँ। तो नौशाद साहब के यहाँ मुझे नार्वेकर जी थे जो बहुत बेहतरीन वायलिन प्लेयर थे, मतलब मैंने ऐसा सॉन्ग वायलिन इस हिंदुस्तान में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा ना, दुनिया में तो कोई होगा ही नहीं, इतना बेहतरीन बजाना था। वो मुझे नौशाद साहब के यहाँ लेके गए, क्योंकि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट था, बोले मैं उनको कहीं नहीं लेके जाऊँगा, उसूल वाले बोले इसको सिखाया है, बाकी भीख मांगने मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास, कोई सुने इसको तो बुला ले। तो फिर नार्वेकर जी मुझे लेके गए, मुझे याद है राम और श्याम का गाना था, पहला गाना था 1966 में, घबरा घबरा के 15 साल का था।
की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे ऐ जान वफा। मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाए। तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। जैसे कि मैं ये बता चुका हूँ कि आपके पिताजी मैंडोलिन बजाते थे जी, तो अक्सर होता यह है कि विरासत जो है वो आगे बढ़ती है जी। तो विरासत में संगीत तो आपको मिला, लेकिन आपने मैंडोलिन नहीं चुना। पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं मैंडोलिन बजाऊं। क्या होता है कि मैंडोलिन के ऊपर डबल तार होते हैं देखिए आप, और वायलिन पे सिंगल तार होता है। वैसे चार तार होते हैं, वही मैंडोलिन में आठ तार होते हैं। तो जब मैं वायलिन प्रैक्टिस करता था उंगलियों पे एक तार की निशान होती थी, और मैंडोलिन का स्पेसिंग और वायलिन के स्पेसिंग में बहुत फर्क है सर। तो अगर मैं मैंडोलिन बजाने लग जाऊँ तो मेरा हाथ पूरा बेसुरा हो जाएगा वायलिन के ऊपर। लेकिन आप बजा लेते थे? अभी भी बजा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मगर वो सही नहीं है सर। क्यों? एक इंस्ट्रूमेंट है डेढ़ फुट का है और एक इंस्ट्रूमेंट एक फुट का, तो आपकी स्पेसिंग तो चेंज होगी ना, और फिर सुर में बजेगा ना। और फिर वायलिन ऐसा है कि वायलिन में हेयर लाइन मतलब बाल इतना भी अगर आपका फर्क आ गया वो बेसुरा बोलेगा। शायद मैं ये कहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ, सब कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के वजह से हैं, मगर मैं और ऊपर कहूँगा कि शायद मेरे पिताजी ने मेरे लिए ही जन्म लिया था। क्योंकि किसी के सामने 10 घंटा 12 घंटा रियाज लेने को बैठना, वो भी नहीं कि इंस्टॉलमेंट में, नहीं कि अभी बाहर गए मैं बजा रहा, नहीं वैसे नहीं। मैं अगर 12 घंटे बैठा तो वो भी 12 घंटे मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं तो बजा रहा हूँ। चलो उनको तो मेरा प्रैक्टिस सुनना था। कितना बर्दाश्त करना पड़े आपको, कोई दरा रा 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 ये बजा रहे घंटों तक, आपको सुनना भी तो है, मगर वो बोले नहीं। मैं सच कहूं मैं एक नंबर का कूड़ था बचपन में। कूड़ बोलते हैं ना हम, डफर, डफर म्यूजिक के लिए भी डफर। पढ़ाई में ठीक था, चलो मतलब पापा बोलते थे बोल
तो मैं आ करता था, कहाँ गा रहे तू, फिर मारते थे पैर पे जो आ करता था, ये अमर हल्दीपुर था। ये बदल कहाँ से हुआ, ये कहाँ से चेंज हुआ, ये चिंगारी कहाँ से लगी? उनका आशीर्वाद ये होगा कि इतना सारा हासिल हो गया आज। ऑफकोर्स हासिल तो मेरी कोई औकात ही नहीं है उसके लिए, उस मालिक की जब तक मर्जी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अमर जी, आपने बताया कि आप जब पहली बार वायलिन बजाने गए तो उम्र आपकी 15 साल थी। बिल्कुल सर। लेकिन उससे पहले आपके पिताजी तो काफी फिल्मों में मैंडोलिन बजाया ही करते थे। जी। कभी पिताजी के साथ रिकॉर्डिंग वगैरह में जाते थे आप? सब बहुत जाता था मैं, छोटा था तो इतना जिद्दी था। एक दिन मुझे याद है कि शायद नेहर साहब का रिकॉर्डिंग था या मदन जी को, नेहर साहब का ही होगा, तो मैं चला गया था। डैडी बहुत छोटा था, शायद 6-7 साल का होगा, तो मैं डैडी को बोला मैं इधर कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं आपके गोद में बैठूंगा। अरे बोले मैं बजाऊंगा कैसे रिकॉर्डिंग में? बोला नहीं मैं गोद में बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। तो बोले अच्छा ला जा चल मैं बैठ। उन्होंने मुझे गोद में रख के अपना रिकॉर्डिंग बजा दिया है। ओह हाँ जी। तो मुझे बोले ये कहीं रिकॉर्डिंग के बीच में बोलेगा नहीं? बोला नहीं, बहुत तेज है, बोले कुछ नहीं करेगा, शांत बैठा रहेगा, सुनते रहेगा देखो। तो वो भी दिन मुझे याद है, मैं जाता था बहुत रिकॉर्डिंग में जाता था। उस दौर का कोई गाना याद है जिसमें आपके पिताजी ने मैंडोलिन बजाया हो? बहुत है सर, नैयर साहब के सब गाने देख लीजिए आप, सलील चौधरी के गाने देख लीजिए, मदन मोहन के गाने देख लीजिए। मैंडोलिन में और एक भी एक है हमारे डेविड अंकल, उनका भी जवाब नेता साहब। डेविड साहब के कोई गाने? शंकर जयकिशन के। अच्छा, तो आपके पिताजी शंकर जयकिशन के आने उधर भी बजाते? जब दो मैंडोलिन होते तो डैडी और डेविड साहब, अच्छा ये दो नाम ही थे पहले जो बजाते थे। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी। तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। अब करीब आए मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तो अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बना
मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया। नौशाद साहब के यहाँ जब आप गए तो उनका क्या रिएक्शन रहा कि भाई ये छोटा सा लड़का, और नौशाद तो उस समय मतलब द नौशाद थे। उस टाइम शफी चाचा थे, ये सब म्यूजिशियंस कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, शफी चाचा और इन लोग सब देखते थे। नौशाद साहब तक तो वो डिटेलिंग जाता ही नहीं था कभी। हमेशा मैंने एक चीज़ देखा है उस वक्त ना, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग बहुत ही अलग रहते थे सर। आर्टिस्ट भी अगर आके बैठा तो आर्टिस्ट भी बहुत सहमा सहमा के बैठ जाता था इन लोगों के सामने, तो वो एक अलग इज्जत थी म्यूजिक डायरेक्टर की। मैं उनके यहाँ रिकॉर्डिंग में जाता था, फिर उसके शंकर जी किशन के यहाँ जाने लग गया, तो शंकर जी को किसी ने कहा ये अरेंजमेंट भी अच्छा कर लेगा, तो मुझे एक बैकग्राउंड म्यूजिक मिला करने का शंकर जी का, दिल दौलत और दुनिया इस फिल्म का, राजेश खन्ना था शायद उस फिल्म में, फिर पीएन अरोरा प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, ये फिल्म मिली। उसके बाद जब मैं 1967 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ आया, वहाँ से पूरा ट्रांसफॉर्म चेंज हो गया सर। अभी आपने कहा कि शंकर जयकिशन के यहाँ जब आप गए जी, तो जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया उसने कहा ये अरेंजमेंट भी अच्छा कर लेगा, ये बात उनको कैसे समझ में आई कि आप अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर लेंगे? क्योंकि मैं सेबेस्टियन जी, सेबेस्टियन अंकल जिनको हम बोलते हैं, जो शंकर जयकिशन, शैली चौधरी, बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे, उन्होंने मुझे अन दत्ता जी के यहाँ कहा कि ये तुम्हारा अरेंजमेंट कर लेगा, वो मेरे हाथ में छोड़ के गए अपना काम, वो बोला तुम करना इसके आगे। 15 साल की उम्र में, 16 साल का था जी भी मैं, वही 15-16 साल की उम्र में आप अरेंजमेंट कर सकेंगे, ये उनको विश्वास था। कभी कभी हम बोलते हैं ना दूसरे का जो क्या बोलते हैं हम, एक केयर फ्री नेचर होता है, बोला ठीक है तू कर ले यार। कई लोग ऐसे भी थे पहले, वो उसमें हमारा फायदा हो गया। उसके बाद शंकर जी के यहाँ सेबेस्टियन जी भी थे, तो उस जमाने में सेबेस्टियन जी ने शायद बोला होगा उनको, मगर शंकर जी के यहाँ एक मैसेज देते थे, संजीव मामा बोलते हैं उनको, जो उनके यहाँ मैसेंजर थे, उन्होंने उनसे कहा ये है परशुराम जी का बेटा है, उनसे हम लोग करा सकते हैं। और उस वक्त जयकिशन जी भी नहीं थे, तो शंकर जी अकेले काम करते थे। तो फिर कितने फिल्में की होंगी? 3-4 फिल्म तो किया हूं मैं, मुझे याद है अराउंड द वर्ल्ड याद है, चोरनी एक फिल्म याद है, दिल दौलत और दुनिया याद है। उसके बाद जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ आया, मैं तो वायलिनिस्ट ही था, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे वायलिन के नजर से ही देखे, एज ए वायलिनिस्ट देखे तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। जी जी जी, लेकिन आपने काम इतना किया है बतौर अरेंजर, अरेंजमेंट में मुझे लगता है कम से कम नहीं तो भी 3-4 हज़ार गाने तो होंगे। फिर रिकॉर्डिंग्स मैंने बहुत बजाई सर, जैसे मैं मदन जी के यहाँ रिकॉर्डिंग में बैठा रहता था तो उनके मैनरिज्म देखता था, फिर मैं खड़े होकर देखता था आर्टिस्ट को गाना कैसे सिखा रहे हैं, तो उनका अंग क्या है, किस शब्द को कैसे कहते हैं, किस अंदाज से कह रहे हैं, फिर बर्मंदा उनके नजदीक जो जाने नहीं मिलता था मगर देखते थे हम, फिर शंकर जी किशन के यहाँ, फिर सेलिदा के यहाँ, हेमंदा के यहाँ, तो देखने मिलता था इन लोग का बॉडी लैंग्वेज और सिखाने का तरीका क्या है, और इन लोग उस म्यूजिक में कैसे क्या कलर चाहते हैं। सब क्या होता है, एक शब्द क्या है और एक क्या है यार, एक क्या है, ये जो डिफरेंस है, ये ग्रामर है, हर एक का अपना अलग है, हर एक का अपना अलग ग्रामर था। ये जो सीखने मिला ना सब, मैं एक ही कहूँगा कि सुरों के बारिश में मैं भीगा हूँ, ये उनका है सब। फिर हमारे बुजुर्ग म्यूजिशियंस जो हमारे साथ थे, सीनियर म्यूजिशियंस, वो कुछ बजाते तो मैं बहुत वॉच करने में मास्टर था सब, मैं देखते रहता था ये क्या कर रहा है वो क्या बजा रहा है। हरिप्रसाद जी ने कुछ बांसुरी में कुछ पीस बजाया, अरे मैं बोला अच्छा लग रहा है, अपने हाथ में ट्राई कर लूँ उस अंदाज से। फिर रईस खान साहब कुछ बजा रहे हैं, रामनारायण जी कुछ बजा रहे हैं, तो दिस वॉज आवर स्कूल, इट वॉज नॉट वन टीचर, इनके बारिश में हम भीगे हुए लोग हैं सर। इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, बहुत कंफर्टेबल आप कहाँ रहते थे? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुद भी म्यूजिशियन रहे हैं, आप अगर लक्ष्मी जी के साथ बैठ जाओगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी तो मैंडोलिन बजाते जी, अरे बहुत अच्छा मैंडोलिन बजाते, और प्यारे जी वायलिन बजाते थे। प्यारे जी जैसा वायलिन मैं तो समझता हूँ इस इंडस्ट्री में शायद ही किसी ने बजाया। लोग वायलिन बजाए हैं, उत्तम सिंह भी बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं,
ऑस्कर जी है, जेरी फर्नांडिस है, नार्वेकर जी है, गजानन जी है, एक लालवानी सुरेश लालवानी है, सब ने बजाया, मगर जो एक अलग था बजाना, बोलते ना अलग बजाना था। मुझे आज भी वो गाना याद है, मैं ये सोचकर तेरे दर से चला था, हकीकत हकीकत का गाना जो था साहब। वो वायलिन सुनिए, मतलब वो जो दर्द गाने में है वही दर्द उनके पीस में आ रहा है सर। हालांकि इसमें शब्द नहीं है जब जब बजा रहा है, उनके पास तो वर्ड्स एक्सप्रेस करने के लिए, मगर ऐसे लगता है कि बस ये रो रहा है इस कदर, ऐसा बजाया नहीं गया सर। बहुत अच्छा, प्यारे जी का तो जवाब नहीं, हम प्यारे भाई बोलते हैं उनको, दिल के भी प्यारे हैं। ऐसा सुनने में आता है ऐसा कि प्यारे भाई अरेंजमेंट खुद ही किया करते थे, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? सब बिल्कुल सच है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गानों में सिर्फ प्यारेलाल जी अरेंज करते हैं। ये एक चीज है जो लोगों में गलत फहमी है कि लक्ष्मी जी म्यूजिक डायरेक्टर थे और प्यारे जी अरेंजर थे, बिल्कुल नहीं सर। प्यारे जी के गाने अगर मैं आपको बताने जाऊं तो आप भी चौंक जाएंगे, जैसे ये दिल तुम बिन, इज्जत का, फिर तुम गगन की चंद्रमा, मैं धरा के दूर हूं। प्यारे जी का अंग अलग है, लक्ष्मी जी का अंग जरा बड़ा अंग था, मतलब ओपननेस होता है वो तरीका उनका, इनका जरा बारीक हरकत, चुलबुले टाइप के ना गाने होते थे। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो प्यारे जी के बनाए हुए हैं, मगर उनका एक ही मुझे अच्छा लगता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। इन दोनों ने कभी नहीं पता चलने दिया ये गाना किसने बनाया। आज भी आप अगर प्यारे भाई के साथ अगर बात करेंगे, वो कहते अमर वो अपना गाना तुमको याद है क्या, वो हमेशा अपना गाना कहते हैं। हर एक का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक में, और वो मानते हैं। जब राह न पाए मेरे साथ
रंग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। नहीं कोई धाम दोस्ती का यारो, नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आपने देखा होगा कि मदन जी के गाने में जब तक मास्टर जी अरेंज कर रहे थे, मास्टर जी यानी सोनिक, सोनिक जी, जी सोनिक ओमी वाले जी। सोनिक जी जब तक मास्टर जी ने अरेंज किया, वो गाने का रंग ही अलग है, वो मदन मोहन अलग नजर आता है। उसके बाद केरसी जी आए, उसके बाद ज्ञान जी आए, सब रंग अलग है। नौशा साहब क्या है, उत्तम सिंह जी ने भी किया है गाने टुवर्ड्स एंड। मैं एक ही कहूंगा सर, हिंदुस्तान में अगर किसी ने अरेंजर अगर हम कहेंगे किसी को तो मास्टर जी, ओनली मास्टर जी। उसकी बात पेरे जी जवाब ने, ये इंस्टीट्यूशन है सर, ये सिर्फ अरेंजर्स नहीं है। काम वो होना चाहिए जिससे आपको कुछ सीखने मिले, दूसरे पे आपका कुछ प्रभाव हो। तो फुल फ्लेजेड अरेंजर आप कब बने? राजेश रोशन, कुआरा बाप, महमूद साहब की पहली फिल्म, राजू भी, हम उसको राजू कहते हैं, राजेश रोशन को, वो लक्ष्मी जी के यहाँ ही था,
कोंगो बजाता था, तो मैं जब सॉन्ग वायलिन में बैठता था, मुझे बोलते यार तो क्या क्या चीजें बजाते यार, अच्छा यार अपन सिटिंग करेंगे यार, म्यूजिक करेंगे, करेंगे जब टाइम आएगा कर लेंगे. तो दैट वॉज द फर्स्ट बिग ब्रेक दैट आई गॉट. उसके बाद जूली, नटवरलाल है, देश परदेश है, स्वामी है, यही है जिंदगी है, भगवान दादा है, काम चोर है. तो फिर मतलब राजेश रोशन के यहाँ आप ही थे, समझ लीजिए 77-78 तक मैं था, बाद में मैंने छोड़ दिया. बाद में बहुत काम था सर, बहुत मिस्ड एक्टर्स थे. सिर्फ राजेश रोशन की बात करो तो कौन सा गाना या कौन सी फिल्म करके आपको ज्यादा मजा आया या ज्यादा आपके दिल के करीब है? साहब एक तो कुंवारा बाप है जिसमें वो लोरी है, उसमें जो एक वायलिन सोलो मुझे याद है, हम लोग बैठे थे सिटिंग कर रहे थे, भाईजान मतलब महमूद जी बैठे थे सामने, हम लोग वो गाना करके निकले थे, वो सजरी गली मेरी माँ जो फर्स्ट गाना था राजेश रोशन के लाइफ का. फिर हम लोग सिटिंग रूम में बैठे थे तो राजू बोले ये गाना सैड सॉन्ग है, तो भाईजान सामने बैठे थे, वो बोले यार मेरे को वायलिंस के पीसेस यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ झाड़, वो जब मर जाएगा, कोकोनट ट्रीज इधर से उधर, तूफान जैसे हिलेगा, ये सब चाहिए.
सच है कि मैं अगर सुख चैन तेरा चाहूं, तेरी दुनिया से मैं फिर कहीं अब दूर चला जाऊं। जैसा आर्टिस्ट जिसने जब अपने दर्शकों को हंसाया तो इतना हंसाया कि पेट में बल पड़ गए, और उसी महमूद ने जब कुंवारा बाप में रुलाया तो लोगों के आंसू नहीं रुके। खुद एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे, नॉट एज एन एक्टर की बात कर रहा हूं मैं। सिंगिंग भी उनके पास था, म्यूजिक उनके ब्लड में था सर, इसलिए उनमें एक अलग सा टेम्पो था। वो टेम्पो उनके कॉमेडी में भी था। कॉमेडी में टाइमिंग के बगैर आप जीरो है, टाइमिंग ही तो सब कुछ है कॉमेडी का। तो भाईजान मुझे याद है कि बैठे थे तो उन्होंने कहा, यार बहुत जब गाता है उसका बेटा लंगड़ा है और उसके लिए लोरी गाएगा, वो सैड तो नहीं होगा मगर एक मायूस है, वो परेशान है, मेरा बेटा कब चलेगा अपने पैरों पे। तो उतने में राजू ने जैसा मुकड़ा खत्म किया, उस टाइम मैं क्या करता, मैं वायलिन लेके ऐसा बैठा रहता था सिटिंग में भी, तो मैंने ऐसे उठा के वायलिन सीधा एक पीस बजा दिया और मैंने जब खत्म किया देखा तो भाईजान बच्चे जैसे रो रहे थे। मेरे को उन्होंने कम से कम 10 बार वो पीस भजवाया, बोला फिर से बजा यार। फिर बोले, यार राजू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिक्चर का यही थीम है और ये पीस मुझे चाहिए बस। देखिए आप पूरे पिक्चर में वही पीस चल रहा है, री 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 हा री 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 हा री तारा री री री, ये पीस फुल पिक्चर। एक्चुअली आपने एक बात अच्छी कही कि जो इतने बड़े कॉमेडियन थे सर, फिर लोगों को इतना कैसे रुला देते। अपने गम को छुपाने का एक ही तरीका है, लोग को हंसाओ। आपने मेरा नाम जोकर देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक जोकर की जिंदगी में इतना दुख भरा रहता है। आप देखिए राज साहब के पिक्चर में, उधर एक माँ मर गई है, उसकी जो चाहने वाली जो औरत थी वो भी उसको छोड़ के गई है, बचपन से लेके आखिर तक दुख ही दुख है जिंदगी में जी, मगर दुनिया को हंसा रहा है वो। बिल्कुल, जो देखिए बहुत ज्यादा हंसाता आदमी, मुझे ऐसा लगता है वो अंदर से बहुत दुखी होगा सर। नजरों को हम बिछाएंगे,
कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। शेर याद आ रहा है, हंसता हूँ जिस तरह मैं पी पी के अश्के गम जी, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। वाह वाह वाह, मेरे लाइफ में दो तीन बार ऐसे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो मेरे लिए भारत रत्न से बड़ा है। एक दिन मैं गाड़ी से था, ऐसे सिग्नल पे खड़ा था, अचानक देखा तो राइट साइड एक गाड़ी आके खड़ी रही। मैं अपनी वाइफ से ऐसे बात कर रहा था तो मुझे बोलती, वो देखो आपको कोई बुला रहे। तब भाईजान की दाढ़ी ऐसे सफेद, बाल सफेद, तो जैसे मैं घुमा तो वो पीस गा के मुझे बता रहे, तारा री री री। मैं कसम से देख के हिल गया साहब कि मेरी पहचानो पीस है उनके लिए। क्या बात है। दूसरा है कि एक गाना था धर्मवीर में, हम बंजारों की बात मत पूछिए, 1974। उस गाने में एक वायलिन सोलो है सेकंड म्यूजिक में, शायद बहुत मुश्किल था वो। और पैरे जी के यहाँ मुश्किल भी चीज आसानी से पेश करना पड़ता है। एक वो पीस था, जब मैंने बजाया उस पीस को तो लक्ष्मी जी खत्म होने का चुपके से आए, लक्ष्मी जी आए, सोचिए पैरे जी वायलिन बजाते हैं, रिकॉर्डिंग सबमिशन जा रहे, मेरा आया ऐसे हाथ में ऐसा कुछ रखा, रख तो मैं देखा तो 500 रुपए थे उसके अंदर। मैं बोले लक्ष्मी जी दे रहे, पैरे जी एक बार देते तो मेरे समझ में आता, मतलब वो इतने खुश हुए। Yeah.
अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, हम तेरे प्यार को आजमाएंगे। एक गाना और था, उसमें भी एक वायलिन सोलो था। उस वायलिन सोलो में पेरी जी ने मुझे 500 रुपया इनाम दिया है, ऐसा बहुत बड़ी बात है। और एक दिन मैंने गाना किया था लता जी का, हाँ तो गाना खत्म तो हो गया था, तीन चार दिन के बाद दीदी जिनको हम लता जी को हम दीदी कहते हैं, लता जी हमको स्टूडियो में एक बार मिले, तो मैं गया नमस्ते करने, नमस्ते किया, बोला अमर जो परसों तुमने जो गाना किया बहुत ही अच्छा लगा साहब, ये बहुत बड़ी बात है हमारे। कौन सा गाना था वो? उनका मराठी गाना था एक, वो उनको उसने वो फिर बंगाली में रिकॉर्ड किया था, तीनी सांझा, हाँ मराठी में एक बहुत अच्छा गाना है, बहुत पॉपुलर गाना है वो। यही गाना 1954 में शायद पेरे जी ने अरेंज किया था रेडियो के लिए, हृदयनाथ जी का म्यूजिक है। फिर हृदयनाथ जी ने हरिप्रसाद चौरसिया जी शिव कुमार जी को लेके HMV में फिर रिकॉर्ड किया था सेम गाना मराठी में।
फिर ये गाना बंगाली में सलील दा ने लिखा था, सलील चौधरी जी ने, और वो फिर मैंने अरेंज किया था उस गाने को। दूरे आकाश शामी आना आए, दूरे आकाश शामी विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज। जाने माने वॉयलिन वादक और म्यूजिक अरेंजर अमर हल्दीपुर से अमरकांत दुबे ने की फिल्मी गपशप। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अगला भाग अगले हफ्ते। टेक्निकल सपोर्ट विनायक तरवड़कर, प्रोडक्शन सपोर्ट आकांक्षा सिंह, टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग दिलीप कुलकर्णी, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी।